हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आपके चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्टिस के 12 32 12 34 12 38 12 36 कंट्रोलरों का वायरिंग डायग्राम के बारे में। दोस्तों वायरिंग डायग्राम का मतलब समझिए कि इसका कनेक्शन कैसे कैसे करें, चाहे तो आपका पावर वायरिंग हो चाहे कम्युनिकेशन वायरिंग हो, दोनों का कनेक्शन कैसे कैसे करें। बहुत ईजी है, थोड़ा समझने का चक्कर। ये डायग्राम जो देख रहे हैं उसी का बना के रखा हूँ ताकि आपका मैं जब डायग्राम बनाने में टाइम अपना वेस्ट ना करूँ आपके लिए, तो आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। बहुत ईजी है आपको इसको करना, तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन है बहुत ईजी। मैं समझाऊँगा, समझते जाइएगा और उसके बाद समझ में आ जाएगा आखिर करना क्या है। इसको आराम से ईजिली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, यदि ये डायग्राम कहीं कहीं अप्लीकेबल नहीं होगा सिचुएशन के हिसाब से, 100% अप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी ऐसा नहीं कि अप्लीकेबल तो रहेगा हर जगह, कर्टिस का जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग आता है ना उसके हिसाब से ये अप्लीकेबल है। बाद में किसी गाड़ी में लगा है तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे प्रोग्रामिंग के हिसाब से, तो आपको उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो मैं बताऊँगा कहाँ पर क्या चेंजेस रहेंगे, जैसे मेन कॉन्ट्रेक्टर है या फिर ब्रेक का लगा है, पंप का लगा है, सब चीज़ें थोड़ी अलग से प्रोग्रामिंग रहती है, वो किसी गाड़ी में डाल के चेंज किया तो भले। बाकी कर्टिस का बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर आएगा तो ये वायरिंग उस पर उसके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं कि ये डायग्राम करना कैसे है। तो देखिए दोस्तों, ये 12 32 12 34 ये जो कंट्रोलर है ना, कर्टिस का एसी कंट्रोलर जो है वो बीएलडीसी मोटर के लिए आता है। बीएलडीसी मोटर बोले तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। बीएलडीसी मोटर एक तरह का एसी मोटर होता है, थ्री फेज मोटर, उसमें यूवीडब्ल्यू तीन तरह का पावर वायरिंग जाता है। देखिए UVW तीन तरह का पावर वायरिंग जाएगा, उसके हिसाब से आपको ये मोटर चलेगा। इस मोटर में एक और खासियत, इसका स्पीड सेंसर लगा होना चाहिए जिसको इन्वर्टर बोलते हैं, उसमें टेम्परेचर सेंसर लगा होना चाहिए, ये तब जाके ये काम करेगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा ये माल फंक्शन करेगा, नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शुरुआत से, हमको शुरू कहाँ से करना है। शुरू करना है हमको दोस्तों ये बैटरी से। ये देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी का डायग्राम बना कर रखा है, ये बैटरी है, बैटरी से शुरू करते हैं। बैटरी से कौन सी वायरिंग कहाँ पे जाएगी, फिर कौन सी कहाँ पे लगेगी और क्यों लगेगी, वो भी मैं बता दूंगा कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी और क्यों लगेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए कि बैटरी है, ये बैटरी का माइनस है, माइनस टर्मिनल है, और ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है। बैटरी एज इट इज लगेगा, जैसा आपके कंट्रोलर का रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए 48 वोल्ट का कंट्रोलर है तो 48 वोल्ट की बैटरी लगेगी, 72 का कंट्रोलर है 72 की लगेगी, 36 का कंट्रोलर 36 लगेगी, 80 लगेगी, जैसा आपका कंट्रोलर है उसके हिसाब से बैटरी आपको लगेगी। इसलिए मैंने वोल्टेज में डिक्लेयर नहीं किया है, आप अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से लगा सकते हैं, वायरिंग यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये बैटरी का निगेटिव है, निगेटिव में कुछ कनेक्शन होता नहीं है, माइनस पॉइंट सीधा उठेगा और कंट्रोलर के बी माइनस पॉइंट पर आ जाएगा। बी माइनस पॉइंट कौन सा, मैं एक बार और एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको, पहले कंफ्यूजन बाद में ना हो इसलिए। जितने ये लाल कलर की वायर है ना, लाल कलर का इस पे जो हाईलाइट किया हुआ है, जितनी भी वायर लाल कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो पावर वायरिंग है। उसमें मोटे वायर लगेंगे, 50 square mm वाले वायर लगेंगे, 70 square mm वाले वायर लगेंगे, मोटे वायर लगेंगे जो भी हाईलाइट कर। जैसे ये UVW तीन वायर मोटर में जा रहा है, ये तीनों हाईलाइट किया, मतलब ये आपको 50 square 70 square mm का वायर आपको लगाना है। 12 32 है तो आपको उसमें 25 mm का भी वायर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस हिसाब से पावर वायरिंग, पावर वायरिंग का मतलब आप लोग टेक्निकली समझ रहे हो क्या होता है। और जो हाईलाइट नहीं किया वो कम्युनिकेशन वायरिंग, जो पतले पतले वायर्स होते हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। पतले पतले वायर्स में 35 पिन के आते हैं, ध्यान रखिए एक ही पिन लगता है, याद करिए आपने देखा होगा तो, ये 35 पिन के वायर होते हैं। 35 पिन में से इतने सारे हमने यूज किए, सारे पिन से एक साथ यूज नहीं होते, जरूरत के हिसाब से पिन यूज होते, तो कुछ पिन यूज हुआ बाकी पिन यूज नहीं होता। हम बताएंगे इसमें कौन सा पिन और क्यों यूज हुआ आगे धीरे धीरे। तो ठीक है दोस्तों, अपन लोग माइनस की ओर चलते हैं। बैटरी का माइनस से निकल के पावर वायरिंग की बात है, पावर वायरिंग सीधा है आपको ये कंट्रोलर के बी माइनस टर्मिनल पे आ जाए। कंट्रोलर में बी प्लस बी माइनस और UVW, ये पांच कनेक्शन पावर वायरिंग के रहते हैं। तो बैटरी का माइनस जो बी माइनस टर्मिनल पे आ जाएगा पावर वायरिंग के, और उसके बाद बैटरी का जो बी प्लस चलेगा, हम पावर वायरिंग पहले क्लियर कर लेते हैं। बैटरी का जो बी प्लस चलेगा यहाँ से चल के आपको ये आएगा इमरजेंसी स्विच में। इमरजेंसी स्विच और लाल कलर का जो बटन रहता है, कुछ इमरजेंसी हुआ तो उसको दबा दे पूरा कंट्रोलर ऑफ हो जाएगा और गाड़ी भी ऑफ हो जाएगा, उसको बोलते हैं इमरजेंसी स्विच। तो वहाँ से इमरजेंसी स्विच में आएगा और इमरजेंसी स्विच से निकल के पावर फ्यूज में आएगा। ये फ्यूज जो है ना पावर फ्यूज है, या 150 एम्पीयर का रहेगा, 200 एम्पीयर का रहेगा, 250 एम्पीयर का रहेगा, डिपेंड करता है आपका कंट्रोलर का मॉडल कौन सा है, वो कितने एम्पीयर का आपका कंट्रोलर है। उसके बाद आपको ये मेन कॉन्टैक्टर में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें मेन कॉन्टैक्टर का मतलब इसमें क्वाइल भी रहता है
और दो टर्मिनल रहते हैं। तो हम यहाँ पे दो टर्मिनल यूज किए क्योंकि हम पावर वायरिंग में यूज करें तो दो टर्मिनल सिर्फ है, क्वाइल वो दूसरी जगह पे, हालांकि इसमें सिंगल के लिए मैं क्वाइल भी दिखा दिया लेकिन यहाँ पे यूज हुआ नहीं है दूसरी जगह। तो आपको मेन कॉन्टेक्टर में से निकल के फिर सीधा बी प्लस में चला जाएगा, ये पावर वायरिंग कम्प्लीट हो गया। ठीक है, बैटरी से कंट्रोलर के बीच का पावर वायरिंग इतना ही है। ये फ्यूज ध्यान दीजिएगा, ये फ्यूज आपको 150 एम्पीयर, 200 एम्पीयर, 250 एम्पीयर, 300 एम्पीयर का हो सकता है, डिपेंड करता है कंट्रोलर का आपका करंट कितना है। इमरजेंसी स्विच जो लगा है जरूरी नहीं कि सभी जगह हो, बहुत सारी जगहों में मोस्ट ऑफ ऑल नहीं होता है, होता है मोस्ट ऑफ ऑल होता भी है और मोस्ट ऑफ ऑल नहीं भी होता। ये ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्यूज ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखिए फ्यूज एक सेफ्टी फीचर देता है, आपको कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज चला जाएगा और आपकी पूरी मशीन जलने या खराब होने से बच जाएगी। इमरजेंसी स्विच क्या है, ऑपरेटर चला रहा है कुछ इशू हो गया डायरेक्ट और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो फिर वो इमरजेंसी स्विच दबा दे ऑटोमेटिक पूरी मशीन बंद हो जाएगी। तो ये ना लगाए तो चलेगा ऐसा नहीं, लेकिन लगाना चाहिए, मैं प्रीफर करूंगा कि लगाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरी, ये इनपुट का पावर वायरिंग, हम लोग आउटपुट पावर वायरिंग में आते हैं। आउटपुट पावर वायरिंग देखिए तीन तरह का इसमें है, यू वी डब्ल्यू, आपको पहले बता फिर से बता देता हूँ। यू वी डब्ल्यू तो आपको मोटर में भी सेम टर्मिनल मिलेगा, यू वी डब्ल्यू तो आपको यू से यू में, वी से वी में, डब्ल्यू से डब्ल्यू में कनेक्ट करना है, ये उल्टा नहीं करना है, नहीं तो इसका जो सीक्वेंस है ना आउटपुट का कंट्रोलर का, ये मोटर को बराबर सीक्वेंस नहीं मिलेगा, फिर वो मालफंक्शन नहीं करेगा, या तो स्लो चलेगा या तो क्विटर चलेगा या फिर चलेगा ही नहीं, बहुत सारे इशू आ सकते हैं, आते ही। तो आपको यू से यू में, वी से वी में, डब्ल्यू से डब्ल्यू में ही कनेक्ट करना है, इंटरचेंज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पावर वायरिंग खत्म, हम लोग चलते हैं कम्युनिकेशन वायरिंग की ओर। कम्युनिकेशन वायरिंग शुरू होता है ये 10 एम्पीयर के फ्यूज से। ठीक है, ये 10 एम्पीयर का फ्यूज से कम्युनिकेशन वायरिंग शुरू होगा। तो ये जो बैटरी का प्लस जो है, बैटरी के प्लस से निकल के पहले 10 एम्पीयर के फ्यूज में जाएगा और उसके बाद 10 एम्पीयर के फ्यूज से निकल के सीधा की स्विच में जाएगा, जो की स्विच हम लोग चाबी स्विच लगाते हैं, चाबी स्विच से निकल के कंट्रोलर का जो कम्युनिकेशन वायरिंग का कनेक्टर है उसमें पिन नंबर 1 में जाएगा सीधा, कहीं नहीं जाएगा, किसी को नहीं टच करेगा, पिन नंबर 1 में टच करेगा सीधा कंट्रोलर का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है आपको 13 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 24 नंबर है, 9 नंबर है, 22 नंबर है, 33 नंबर है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो 13 नंबर पिन है कंट्रोलर का, 13 नंबर पिन क्वाइल रिटर्न होता है। तो मतलब क्वाइल रिटर्न का मतलब जनरली आपको दिमाग में समझ में आ रहा है क्वाइल रिटर्न मतलब क्या, कोई भी क्वाइल से जो पावर आ रहा है वो रिटर्न होकर 13 नंबर में लगेगा, कोई भी क्वाइल से, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का क्वाइल हो, चाहे मेन कॉन्ट्रेक्टर का क्वाइल हो, चाहे पंप कॉन्ट्रेक्टर का क्वाइल हो, या फिर कोई और भी क्वाइल उसमें लगा हो, प्रोपोर्शनल ड्राइवर का क्वाइल हो, ये सारा जो क्वाइल का जो रिटर्न है 13 नंबर में आएगा। हमने 12-44 में बताया था क्वाइल का रिटर्न आपको इसी में आता है, KSI 1 नंबर में, बैटरी का प्लस में, लेकिन इसमें क्वाइल का जो रिटर्न है आपको 13 नंबर में देना है, ये थोड़ा सा चेंज है 12-44 इसमें। तो देखिए, तो 13 नंबर क्वाइल रिटर्न है। अब सपोज मानिए 5 नंबर पे, यदि आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक लगा है तो ये अप्लीकेबल है, नहीं तो अप्लीकेबल नहीं। मान लीजिए स्टेकर में लगा है, एग्जाम्पल के लिए माना स्टेकर में लगा, BOPT में लगा, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक लगा होता है, तो ये 5 नंबर के से चल के आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक में जाएगा एक पिन, और दूसरा 13 नंबर से चल के इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक में जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक क्लियर हो गया। अब दूसरा जो है 6 नंबर, 6 नंबर जो है मेन कॉन्ट्रैक्टर का क्वाइल का है, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर का क्वाइल में एक 6 नंबर से जाएगा और दूसरा 13 नंबर से आएगा, कम्युनिकेशन वायरिंग से ही उठ के सीधा आएगा। ठीक है, ये दिमाग में आ गया। अभी देखिए यहाँ पे बताता हूँ, हमने ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पे भी क्वाइल, ये भी मेन कॉन्ट्रैक्टर, ये भी मेन कॉन्ट्रैक्टर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्टर को सिंबॉलिक मैंने दिखाया है, सिर्फ सिंबल दिया है कि भाई मेन कॉन्ट्रैक्टर का क्वाइल भी इसमें रहता है, क्वाइल है और ये पावर वायरिंग, यहाँ पे हमने पावर वायरिंग यूज किया, यहाँ पे क्वाइल यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वायरिंग करने जाएंगे तो पूरा खचपिच हो जाएगा, तो इसलिए अलग से किया है। तो ये आपको मेन कॉन्ट्रैक्टर का क्वाइल में 6 नंबर से आएगा और 13 नंबर से आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक का क्वाइल में पावर ये कम्युनिकेशन वायरिंग आएगा 5 नंबर से और 13 नंबर में, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा ये चीज़। ये मत करिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक में आपको 5 नंबर से और 3 नंबर 1 से आएगा, ऐसा नहीं है आपको, और मेन कॉन्ट्रेक्टर में आपको 6 नंबर से और 3 नंबर 1 से आएगा, ऐसा नहीं, 13 नंबर से आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये 24 नंबर, 9 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर, 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर यदि ये अप्लीकेबल सभी जगह के लिए नहीं, स्टेकर, BOPT, इन चीज़ों में जिसमें इमरजेंसी रिवर्स स्विच लगा है या फिर जिसमें इमरजेंसी रिवर्स स्विच लगाने की जरूरत है उसी में ये अप्लीकेबल है 24 नंबर इमरजेंसी रिवर्स स्विच का। तो इमरजेंसी रिवर्स स्विच में 2 वायर आएगा, 1 वायर आएगा 24 नंबर से, 1 वायर आएगा KSI 1 से, 1 नंबर पिन से, समझ रहे हैं, इमरजेंसी रिवर्स में 1 24 नंबर से और 1 1 नंबर पिन से आएगा। ठीक है, दूसरा आएगा दोस्तों, अब हम बात करेंगे 9 नंबर, 22 नंबर और 33 नंबर के बारे में।
दोस्तों 9 नंबर जो है इंटरलॉक स्विच है। इंटरलॉक स्विच को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये होता क्या है। एक्सलेटर पॉट में देखें आपने, चार वायर होता है, दो वायर होता है एक लिमिट स्विच में चला जाता है ब्लू और ग्रीन कलर का यदि कर्टिस का एक्सलेटर पॉट है तो, और दो वायर होगा जो आपको पोटेंशियोमीटर में चला जाता है, यहाँ पे वो लास्ट में बताएंगे आपको। तो ये जो दो वायर जो इंटरलॉक है आपको वो लिमिट स्विच का समझिए, यहाँ पे लिमिट स्विच लगा है तो उस लिमिट स्विच में एक पिन आएगा आपको 9 नंबर से और एक पिन आएगा आपको एक नंबर से, एक नंबर मतलब बी प्लस से, समझ गए। तो ये आपको इंटरलॉक स्विच, वो इंटरलॉक स्विच का काम क्या है कि जब तक आपका इंटरलॉक दबेगा नहीं तब तक ये एक्सेलेटर पोटेंशियोमीटर का कोई काम नहीं है। एक्सेलेटर का पोटेंशियोमीटर दबाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा फॉल्ट कोड आएगा। और जब तक ये नहीं दबेगा, ये पहले दबेगा फिर पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, तभी जाके आपको आपका कंट्रोलर इसको मोटर को आउटपुट देगा, ठीक है। अब आते हैं 22 नंबर और 33 नंबर। देखिए 22 और 33 हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स गियर जो देते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स गियर जो देते हैं वो एक 22 नंबर से आता है एक 33 नंबर से आएगा। तो फॉरवर्ड रिवर्स गियर में क्या होता है, टू वे स्विच लगा होता है। टू वे स्विच में क्या होता है, छोटा सा मैं समझा देता हूँ। टू वे स्विच का मतलब क्या होता है ना, इसमें एक इनपुट रहेगा दो आउटपुट रहेगा, उसको बोलते हैं टू वे स्विच। घर में भी देखें टू वे स्विच रहता है, ये हुआ इनपुट, ये हुआ 1-2 आउटपुट, ठीक है, ये 3, एक इनपुट रहेगा दो आउटपुट। टू वे स्विच का मतलब एसी स्विच को ऊपर किया तो फॉरवर्ड में जाएगा, एसी स्विच को नीचे किया तो रिवर्स में जाएगा। वो तो वैसे ही उस स्विच में लग रहा था, हमारे जो गाड़ियों में फॉरवर्ड रिवर्स स्विच लगा था उसको कॉम्बिनेशन स्विच बोले, फॉरवर्ड रिवर्स स्विच बोले एक चीज है, डायरेक्शन स्विच बोले वही चीज है। तो ये 22 नंबर में फॉरवर्ड कनेक्शन जाएगा, 33 नंबर में रिवर्स कनेक्शन जाएगा, और उसी फॉरवर्ड रिवर्स स्विच में तीसरा जो कॉमन वायर आएगा वो आपको ये एक नंबर से आएगा, पिन नंबर एक से, पिन नंबर एक से कॉमन वायर, 22 नंबर से फॉरवर्ड वाला वायर, 33 नंबर से रिवर्स वाला वायर आएगा। मतलब टोटल 3 वायर रहेंगे आपको फॉरवर्ड रिवर्स स्विच में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये हुआ पावर वायरिंग, यहाँ का कम्युनिकेशन वायरिंग कंप्लीट हो गया। कन्फ्यूजन रहेगा कमेंट करेगा, और नहीं तो रिटर्न आपको रिपीट करके ये वीडियो देखिएगा, फट बहुत ईजी समझ भी जरूर आएगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक्सेलेटर पॉट का, अब इसमें हमने लिखा है 16, 17, 18 तीन पिन लिखा, लेकिन हमने यूज किया 17 और 18, 16 नहीं यूज किया। इसका रीजन बताता हूँ, ये जो है ना 0-5 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर मैंने यूज किया है। आपको देखिए बहुत तरह का पोटेंशियोमीटर इसमें यूज हो सकता है, 5-0, 0-5, बहुत तरह का वोल्टेज का कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल, बहुत तरह का, लेकिन मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए सीधा इतना मानी 0-5 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर यूज हुआ है। और इसमें आपको 0-5 किलो ओम टू वायर यूज हुआ, दो वायर वाला कनेक्शन यूज हुआ है। तो दो वायर वाला कनेक्शन में ये जो है वाइपर आप 16 से भी ले सकते हैं, 17 से भी ले सकते हैं। ये जो पिन है जो स्लाइडिंग होता है, सेंटर वाला पिन जो होता है पोटेंशियोमीटर का बीच वाला पिन जो रहता है, उसमें 16 से भी ले सकते हैं, 17 से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो 18 नंबर है ये पॉट लो, इसको बोलते हैं पॉट लो, मतलब लो जीरो की साइड में ये 18 नंबर रहेगा। मतलब 18 नंबर और 17 नंबर दो पिन आपको टू वायर 0-5 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर में लगेगा, क्लोज। आप ये 16 नंबर भी लगा सकते हैं, 17 की जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, इधर से घूमते हैं, यहाँ से हो गया, अब यहाँ पे आते हैं। ये 29 नंबर 28 नंबर ये क्या है, देखिए 29 नंबर जो है रिसीव का है, ट्रांसमिशन, यदि इसको कुछ प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप इनपुट दे रहे हैं तो ये रिसीव करेगा, ट्रांसमिशन रिसीव, समझे, कम्युनिकेशन रिसीव करेगा, ये कुछ प्रोग्रामिंग करते हुए दे रहे हैं और ये ट्रांसमिट का, इससे जो कम्युनिकेशन कुछ भी डेटा है तो डेटा किसी में देना है तो ये 28 नंबर से ज़्यादा। तो हम लोग को डेटा कौन आउटपुट करके देता है, BDI, ध्यान रखें BDI में बहुत सारे फॉल्ट कोड आएगा, HMR आएगा, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो डेटा कंट्रोलर BDI को बताता है भाई ये फॉल्ट कोड है, ये इतना HMR हुआ है, उसके बाद BDI हमको दिखाता, मतलब BDI हमको दिखा रहा, तो ले कहाँ से रहा है 28 नंबर पिन आपको यहाँ से। तो देखिए अभी समझाता हूँ, 29 नंबर प्रोग्रामर में लगेगा, BDI में नहीं लगता है। तो दिखाता हूँ, प्रोग्रामर का दो फंक्शन है, एक तो आपको सब कुछ दिखाएगा अभी, दूसरा आप उससे प्रोग्राम करेंगे तो डेटा चेंज भी कर सकते हैं, तो मतलब उसमें इनपुट भी आएगा आउटपुट भी आएगा। तो आपको प्रोग्राम में 28 और 29 दोनों लगेगा, और BDI में सिर्फ 28 लगेगा, क्योंकि BDI सिर्फ आपको दिखाता है, उसमें आप प्रोग्राम नहीं कर सकते उसके थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं सीधा, अब ये जो BDI है वो इसे समझने जाएगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा। ये जो BDI है, BDI में आपको 4 इनपुट देना होता है, सॉरी दोस्तों BDI में आपको 3 इनपुट देना होता है। BDI को चालू करने के लिए आपको प्लस देना होगा 12 वोल्ट और माइनस देना होगा, तो BDI स्टार्ट होगा, उसके बाद इसमें जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो 28 नंबर से आएगा। तो देखिएगा कर इस कंट्रोलर में जो माइनस का पिन है वो 7 नंबर होता है, और प्लस 12 वोल्ट का पिन है जो 25 नंबर होता है।
25 नंबर और 7 नंबर में लगाएंगे पावर, मापेंगे मल्टीमीटर से, तो आपको 12 वोल्ट आएगा चालू करने के बाद, 12 वोल्ट दिखाएगा। 5 वोल्ट का भी इसमें आउटपुट है, 26 नंबर, 26 नंबर से आप 7 नंबर में जब इन मल्टीमीटर लगाएंगे तो आपको 5 वोल्ट आउटपुट देगा, ठीक है। तो BDI 12 वोल्ट पे चलता है, तो आपको इसमें 25 नंबर, 7 नंबर और 28 नंबर तीन तरह का पिन लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। BDI का कंप्लीट हो गया है, रिपीट करके देखिएगा, वीडियो समझ में आएंगे तो कमेंट करेगा, डिटेल से अलग से समझाएंगे, कुछ और टॉपिक आप इसमें खोज के निकालेंगे। तो BDI में 25, 7 और 28 क्लोज, BDI इतने पे चलती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें प्रोग्रामर लगाना है तो कहाँ पे लगाएं। प्रोग्रामर लगाने के लिए आपको एक्स्ट्रा लगाना, 25, 7, 28 तो है जो है, एक एक्स्ट्रा 29 नंबर, 29 नंबर लगाना है, क्योंकि हम प्रोग्रामर से डेटा ट्रांसमिट करके प्रोग्रामर कंट्रोलर में देते हैं, कंट्रोलर रिसीव करता है, तो वो 29 नंबर एक्स्ट्रा लगा, बाकी 25, 28, 7 और 29 नंबर आप लगाइए, प्रोग्रामर से उतने का काम है। अब हम लोग आते हैं आगे का डेटा, देखिए 8 नंबर पिन है, 8 नंबर पिन टेम्परेचर सेंसर का है, टेम्परेचर सेंसर कंट्रोलर के मोटर के अंदर में लगा होता है, वो उसके उसको इनपुट देने के लिए वायर आएगा 8 नंबर और 7 नंबर, 7 नंबर निगेटिव, 8 नंबर टेम्परेचर सेंसर का इनपुट, तो 8 नंबर और 7 नंबर में टेम्परेचर सेंसर लगेगा। उसके बाद आगे आते हैं, अब आगे आते हैं, देखिए एक चीज मेन चीज टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ, एनकोडर। एनकोडर मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, बहुत चीजों में, बहुत टॉपिक में कवर किया है, एक थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एनकोडर का क्या काम क्या है, मोटर का स्पीड डिटेक्ट करना और मोटर का पोजिशन डिटेक्ट करना कि कौन से एंगल पे मोटर घुमा हुआ। तो जनरली आपके देसी भाषा में समझे, मोटर का स्पीड डिटेक्ट करने के लिए एनकोडर लगाया जाता है। और दोस्तों एनकोडर के लिए, एनकोडर में देखिए क्या होता है, चार वायर होता है, ध्यान दीजिएगा, जनरली एनकोडर में चार वायर, तीन वायर का भी आता है, उस पर अभी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बहुत कंफ्यूज है। तीन वायर मतलब सिंगल चैनल एनकोडर होता है, चार वायर मतलब डुअल चैनल एनकोडर होता है। तो ये डुअल चैनल एनकोडर जनरली यूज होता है। तो देखिए एनकोडर को भी चलने के लिए कुछ पावर सप्लाई चाहिए, और एनकोडर को चलने के लिए जनरली एनकोडर 12 वोल्ट का एनकोडर आता है, तो उसको 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए। कुछ एनकोडर 5 वोल्ट का भी आता है, लेकिन आप 12 वोल्ट कंसीडर करके चलिए। तो आपको मैंने बताया था कि इस कंट्रोलर से जो आउटपुट आता है दो तरह का आता है, 5 वोल्ट भी आता है और 12 वोल्ट भी आता है। तो इसको 12 वोल्ट देने के लिए निगेटिव तो आपको सबके लिए कॉमन, 5 वोल्ट लीजिए तो भी 7 नंबर से आना है, और 12 वोल्ट लीजिए तो भी आपको 7 नंबर से निगेटिव लेना है, पॉजिटिव के लिए खाली पिन चेंज होता है। तो ये 12 वोल्ट लेने के लिए कंट्रोल एनकोडर में आपको 25 नंबर से पिन जाएगा और निगेटिव के लिए 7 नंबर से पिन जाएगा। मतलब उसके बाद ये जो 31 और 32 नंबर है, इसको चैनल ए और चैनल बी बोलते हैं, 31 नंबर चैनल ए, 32 नंबर चैनल बी, ये चैनल करेक्टली आपको एनकोडर में लगाना पड़ेगा, चैनल ए और चैनल बी को, नहीं तो चलेगा नहीं, आपको एनकोडर का फॉल्ट आएगा। तो ये आप करेक्टली लगाइएगा। तो ध्यान रखिए एनकोडर में 25 नंबर, 7 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर, इतनी चीज़ें लगेंगी। तो दोस्तों देख लिया कितना ईजी, एक बार फिर से रिपीट करके समझेगा, ऐसे देखेगा ना बॉब कितना बड़ा डायग्राम है, पता नहीं क्या है, कैसे समझेंगे, ये स्थिति क्रिएट होती है, दिमाग में ये भावना जरूर पैदा होती है। तो समझने के बाद आपको बहुत ईजी पड़ेगा, लेकिन रहो कुछ है, ध्यान से समझते जाइए, करते जाइए, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके आगे मैं थोड़ा सा एक चीज़ प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब आपने नया इसमें आपने वायरिंग किया है तो मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की बात करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है वायरिंग करने के बाद। हम प्रोग्रामिंग में जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, क्योंकि ये टॉपिक ही बड़ी थी, हमने जल्दी कवर किया थे। प्रोग्रामिंग में आपको आपको थ्रोटल टाइप 3 सेलेक्ट करना है, क्योंकि 0 to 5 किलो ओम के लिए 3 होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक यूज किया हुआ है, आपको स्टेकर है ये सब है, तो नहीं तो आप इसको EM ब्रेक को ऑफ कर सकते हैं। फोर्कलिफ्ट में यूज करें जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक नहीं रहता है, उसमें आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं, जिसमें है उसमें ऑन रहेगा, जिसमें नहीं है उसमें ऑफ रहेगा, डिपेंड करता है, समझिएगा। ऑफ ऑन लिखा है मतलब ऑफ ऑन ऑफ ऑन करते रहना, है तो ऑफ कर, है तो ऑन रखना, नहीं है तो ऑफ रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें और भी चीज आता है, प्रोपोर्शनल ड्राइवर इसको भी ऑफ करना है प्रोग्राम में जाकर, ठीक है। प्रोपोर्शनल ड्राइवर ऑफ रहेगा, और उसके बाद आपको पंप ड्राइवर भी ऑफ रहेगा, ये सारी चीजें आपको ऑफ करके रखनी है, ठीक है। इतना जरूर करिएगा प्रोग्राम में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
और कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर जितने वोल्ट का उतने वोल्ट का आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। इसे जनरली इसको करने की जरूरत, जितने वोल्ट का कंट्रोलर उतने वोल्ट का कॉन्ट्रैक्टर लगाई करने की जरूरत नहीं। ये भी बताऊंगा कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोलर आपको 72 वोल्ट का ना 48 वोल्ट का भी कॉन्ट्रैक्टर लगा सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम करेंगे आपको ये चेंज हो जाएगा, आप जितने वोल्ट का चाहे उतने वोल्ट का लगा सकते हैं, ठीक है। वो बाद में बताएंगे, अलग टॉपिक, इसमें बहुत ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको लंबा नहीं होने के लिए मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। आपके जो भी कमेंट है वो नीचे करिएगा, कुछ अलग क्वेरी होगी तो मैं उसको भी क्लियर करूँगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत लेट से आया, कुछ प्रॉब्लम था हमारे साथ में, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी था, इसकी वजह से कर नहीं पा रहा था। अभी आपको वीडियो लगभग रेगुलर आती रहेगी, कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो रेगुलर आती रहे। आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, और आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हालांकि कुछ टॉपिक हमारे पास कमेंट में आए हुए हैं, उसको भी धीरे धीरे कवर करूंगा। आपको लेकिन किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर इसमें कि आपको समझ में नहीं आया उसको फिर से कुछ कवर करें तो अलग वीडियो बना के मैं आपको कवर करके दूंगा, ठीक है। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।